अस्सलामुअलैकुम यार, लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी। मैंने टैबलेट्स दी थी ब्रोवेक्टो, तो उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अच्छी टैबलेट्स हैं, उसके अलावा भी दो तीन हल बताए थे, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आप एक दफ़ा ट्रीटमेंट करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने पायोडीन स्क्रब के साथ नहलाया है, वैसे आम साबुन से नहलाया है, शैम्पू से, उसके बाद फिर पायोडीन स्क्रब लगा के आपने छोड़ दिया है, और ये तीन चार दफ़ा आपने की है, तीन हफ़्तों के बीच में तीन चार दफ़ा आपने ये किया है और उसकी वजह से फ़र्क भी पड़ा है, लेकिन उसके बाद दोबारा हो गया है, तो फिर आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि यार ये हो किस वजह से रहा है। तो बाज़ औक़ात वो ग्रेन एलर्जी होती है बाज़ डॉग्स को, बाज़ औक़ात दूध से एलर्जी होती है, बाज़ औक़ात दही से एलर्जी होती है। आपने ये देखना है मैंने कौन सी ऐसी चीज़ नई शुरू की है जिसकी वजह से ये काम शुरू हो गया, उस चीज़ को कम कर दें। बाज़ चावल दे रहे हैं आप, तो बाज़ औक़ात आप रोटी दे रहे हैं, उसकी वजह से हो रही है। तो ये चीज़ें आपने अपनी डाइट में देखनी है। अगर डाइट में डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ तो है जिसके खाने की वजह से, या फिर ये भी होता है ब्रशिंग नहीं करते हैं, या जानवर गीली जगह पे गंदी जगह पे रहते हैं, उसकी वजह से जरासीम की वजह से हो रहे थे, तो उसको आपने ठीक करना है। इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती हो रही है जिसकी वजह से ये मसला पैदा हो रहा है, एक बार। दूसरा ये कि यार अभी मीटिंग तो मैंने खोली थी मैक्स की भी और मार्लबोरो की, तो फीमेल आती हैं, वरना लोग दिखाते रहते हैं, चलो मीटिंग के लिए कोई कम आए तो, लेकिन दिखाते रहते हैं। एक रिक्वेस्ट ये करनी है यार, खुदा का वास्ता, मेरे बड़े बड़े अच्छे दोस्त भी हैं जाने वाले, उन्होंने भी ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर दी हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ कि यार बड़ा दुख हुआ है, वो चीज़ें सामने आई हैं। हमारे एक बड़े करीबी ताल्लुक, मैं करीबी सबके साथ इसलिए वो कह देता हूँ कि यार जिस साथ 4 मिनट बैठ जाऊँ थोड़ा अच्छा लगे उसकी बात करना, मैं तो शायद टोटल सा होऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, बात करके बैठ के, तो उनके साथ बैठना उठना और बात करना अच्छा लगा। और शरीफ आदमी, ऐसे शरीफ आदमियों को भी अगलों ने 1.5-1.5 लाख के बच्चे दिए हैं, खुदा की कसम यार, अगर वो क्वालिटी में मैच करूँ उन जानवरों के साथ के जो कि मैंने किसी को 70-75-75 हज़ार की लेकर दी थी, तो वल्ला उकसम बिल्ला के ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो बड़ा दुख होता है कि यार किसी बंदे को अगर आप लेकर देते हो अच्छी चीज़ लेकर, तो मेरे भाई मैं फ़ी सबीलिल्लाह, मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ, मैं फ़ी सबीलिल्लाह काम नहीं करता हूँ, मैं जिसको जो चीज़ लेकर देता हूँ मैं उससे, अगर मेरे कैनल पर नहीं पड़ी है बाहर से लेकर देता हूँ, मैं 15% चार्ज करता हूँ, साफ बताया हुआ। लेकिन उस 15% चार्ज करने में ये होता है कि मैं उसका दो नंबरी नहीं करता हूँ, मैं उसको वो एक्सपर्टीज़ वो फ़ायदा देता हूँ उस तरफ से, किसी तरफ से कि यार उसको अच्छी चीज़ ढूंढ कर देता हूँ। अपनी आँखों को नज़र नहीं आ रहा है, मेरी आँखों को तो नज़र आता है ना, तो मैं उसको अच्छी चीज़ ढूंढ कर देता हूँ। खुदा का वास्ता ये ना करें, मैं तो यार मेहनत कर सकता हूँ कि भाई अब मज़ीद नहीं, मैं मतलब क्या अब आपको वो जानवर भी दिखाना शुरू कर दूँ, और वल्ला उकसम बिल्ला के दिखाने की बात आई दिखा भी दूँगा कि यार ये देखो ये आपने, कि तो मुनासिब नहीं है कि वो बंदों को फिर लोग जानते भी होंगे। बहरहाल ये रिक्वेस्ट है कि यार अच्छी चीज़ें अच्छे रेट पर लेकर दें अगलों को, और उनको समझाएं कि यार प्लीज़ आपका बजट कम है, रहने दें, ये काम ना करें। मेरा बहुत सारे दोस्त अहबाब 50 हज़ार में 60 हज़ार तक जिनकी रेंज होती है, अल्लाह हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, कितने लोगों को ये बात गवाही भी देंगे कि उन्होंने मुझे कहा खुरम भाई इतने में कोई पपी मैक्स का आगे पीछे, मैंने उनको मिन्नत कर कहा, मैं कहा भाई क्यों पैसे ज़ाया करते, नहीं मिलनी है अच्छी चीज़, क्यों लो क्वालिटी की बच्चे उठाते हैं। 6 महीने के बाद आपने उसके जो ख़र्चा किया है, जो टाइम दिया है, जो मेहनत की है, वो सारी एक तरफ और उसके पैसे एक तरफ, आप सारे को पीट रहे हो गए कि यार मैंने ये खर्च मारी तो मारी क्यों है। तो इसलिए कोई भी चीज़ लेते हैं वो कम से कम, यार किसी को लेके देते हैं तो कम से कम यार जो आप उसको पहले बोलोगे यार मैंने 15% लेना है, 10% लेना है, लो, लेकिन यार हलाल करो अल्लाह के बंदो, कितना अर्सा वो खा लोगे, करोड़ रुपये को जहाज के सौदे करके दे रहे हो, यही कुत्ते ही हैं। किसी ने लेना है पपी ले लेगा, लाख का ले लेगा, 1.5 के ले लेगा, हद बड़ी 2.5-2.5 लाख रुपए के, इससे ऊपर कौन जाता है, और वहाँ तक भी कोई जाए तो उसको अक्सर खुद को ही पता होता है। बहरहाल 80 हज़ार से लेकर 2-2.5 लाख-3 लाख के बीच में पपी सेल होते हैं पाकिस्तान में, टॉप क्वालिटी और अच्छी की दरमियानी क्वालिटी, इसके बीच में सारी चलती है। और मेरी दरख्वास्त यही है यार भाइयों, अल्लाह ने रिस्क देना है, कहीं ना कहीं से ज़रूर देगा जब उसने पैदा किया है, यार इतनी ज़्यादती नहीं करो, इतनी ज़्यादती नहीं करो। तो बाकी सब से दुआओं की दरख्वास्त है, अल्लाह आप सब का अमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।